सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एलजी इरेक्शन के बारे में। दोस्तों, एलजी का मतलब होता है लॉन्चिंग गर्डर, मतलब मेट्रो में यूँ मान के चलिए कि 70% का काम जो है एलजी करती है। एलजी जो है सेगमेंट लिफ्टिंग करने में और उसे इरेक्शन करने के लिए लाया जाता है साइट पर। सबसे पहले दोस्तों, जो एलजी है उसे कैसे रेस्ट किया जाता है, कितना उसमें मटेरियल लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एलजी जो है एक पियर से दूसरे पियर के बीच में रखा जाता है। सबसे पहले जहाँ पे हमें एलजी इरेक्शन करना है, या तो फिर एलजी इरेक्शन के होने के लिए हमें जो है सबसे पहले 2 से 3 स्पैन जो है सेगमेंट इरेक्शन करना है क्रेन के ज़रिए, जैसा कि GLS मैंने बोला था, GLS के ज़रिए। अगर एक 2 स्पैन हो जाता है हमारे GLS के ज़रिए, तो क्या होता है, हम लोग फिर LG को इरेक्शन कर सकते हैं। उसमें बॉक्स होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमें टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि क्रिप्स वगैरह होता है। तो क्रिप्स में हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर जो होता है, क्रिप्स खड़ा करते हैं एज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर। तो क्या करते हैं, जो पियर कैप होता है, पियर कैप के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रंट सपोर्ट है उसको रेस्ट करते हैं, और फ्रंट सपोर्ट को जो है हम लोग एंकरिंग कर देते हैं। फ्रंट सपोर्ट में एंकरिंग में उसका होल रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन कितने का डाया रहेगा उसके हिसाब से माइक्रोलेबल ला के हम लोग कितना अंदर जाता है उसका भी डिज़ाइन में ही रहेगा, तो हम लोग उसको एंकरिंग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर उसके पीछे में जो सेगमेंट ऑलरेडी हम लोग इरेक्शन किए हैं, सेगमेंट के ऊपर टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है इरेक्शन कर देते हैं। उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, फिर जो है बॉक्स वन बाय वन बॉक्स इरेक्शन करते हैं। एक बॉक्स जो है हमारा रहेगा फ्रंट सपोर्ट के ऊपर, दूसरा वाला जो बॉक्स का एंड रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर सेम एज इट इज़। फिर दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा उस पर फिर खड़ा करेंगे, थ्रू आउट हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, टेम्पररी स्ट्रक्चर, फिर धीरे धीरे बॉक्स इरेक्शन करते जाएंगे। फिर ये बॉक्स को जो है जॉइंट करने के लिए हम लोग स्प्लाइस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स को जॉइंट कर देते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे डिज़ाइन में दिया हुआ रहेगा फ्रंट सपोर्ट, फिर वहाँ पे हम लोग फ्रंट सपोर्ट इरेक्शन, सॉरी मिडिल सपोर्ट जहाँ पे रहेगा, हम लोग जो है मिडिल सपोर्ट को इरेक्शन कर देते हैं। दोस्तों, फिर मिडिल सपोर्ट के ऊपर में जो उसके ऊपर में जो है बॉक्स को इरेक्शन करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम लोग जो है लोड मतलब बॉक्स में ये अपना मिडिल सपोर्ट और फ्रंट सपोर्ट में नहीं देते हैं, लोड जो है ऑलरेडी ये अपना टेम्पररी स्ट्रक्चर में रहता है। लेकिन तो थ्रू आउट धीरे धीरे हम लोग एक वन बाय वन इरेक्शन कर देते हैं, और जहाँ पे ट्रॉली लगना होता है ट्रॉली भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरी तरह से सारे बॉक्स इरेक्शन होने के बाद फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लोग झाक लगा कर जो है उसको पूरी तरह से मिडिल सपोर्ट फ्रंट सपोर्ट में उसको रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका जो काउंटर वेट आता है काउंटर वेट लगाते हैं, फिर उसके बाद जो विंचेस आता है विंचेस लगाते हैं, फिर जो स्लाइडर होता है स्लाइडर लगाते हैं, ये सारे के सारे लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या हज़ार्ड्स है, सबसे पहले इसमें वर्केट हाइट आता है। तो जो भी बंदा इसके ऊपर चढ़ने के लिए जब टॉर्क करने जाएगा, जब दोनों बॉक्स को जोड़ने के लिए जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, टॉर्क करना पड़ता है। तो टॉर्क के लिए उसको वर्किंग प्लेटफॉर्म सही से होना चाहिए, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म हमें प्रॉपरली होना चाहिए, और जो टॉप रेल मिड रेल होता है वो भी होना चाहिए दोस्तों, और सेफ्टी हार्नेस पहनकर बंदा जाएगा ऊपर में, और ऊपर तक जाने के लिए जो एक्सेस है वो लैडर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बॉक्स का अंदर भी बंदा जाएगा टॉर्क करने के लिए और बॉक्स के बाहर की तरफ भी रहेगा वो। उसके बाद याद रखिए, जो एलजी है वो उसका फ्रंट सपोर्ट जो है हमेशा एंकरिंग के साथ होना चाहिए, मिडिल सपोर्ट जो है वो भी एंकरिंग के साथ होना चाहिए, जो रियर सपोर्ट है वो भी एंकरिंग के साथ होना चाहिए। और अगर हम लोग एंकरिंग नहीं करते हैं तो कभी इनकेस अगर हवा आएगा तो क्या होगा दोस्तों, वो निकल जाएगा चलते चलते, क्योंकि वो रेल के ऊपर रेस्ट करते हैं। हम लोग जो है एलजी को जो रेल होती है रेल के ऊपर रेस्ट करते हैं, ताकि जो ऑटो लॉन्चिंग करे वो आगे बढ़ता जाए दोस्तों। तो इसके लिए इसका ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। और एक लॉकिंग डिवाइस आता है जहाँ पे जो ट्रॉली होता है रियर ट्रॉली, वहाँ पे जो उसके चक्का लगा हुआ रहेगा, तो उसमें जो है लॉकिंग डिवाइस से हमको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब हवा का रुख बदलेगा तो क्या होगा, वो आगे निकल जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों,
हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग LG जो है दोस्तों, दिखने में बहुत ही आसान है, सुनने में बहुत ही आसान और मतलब इजी लगता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। ज़रा सा भी छोटा सा भी भूल हो गई, थोड़ा सा भी गलती हो गया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ गलतियाँ कभी कभी हो जाता है, इसलिए जो है आप लोगों ने देखा होगा LG टॉपल हो गया, कोलैप्स हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर का जो है आपको ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिला होगा। तो ये जो LG है, चाहे आप चाइना LG ले लीजिए या फिर बॉक्स से ले लीजिए, कुछ इस तरह से रक्षण करना होता है। और जहाँ तक अगर मैं चाइना LG की बात करूँ, वहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है पीछे लगाकर हम लोग रक्षण कर सकते हैं। ये फ़ोटो में आप लोग देख सकते हो रियर सपोर्ट को लिफ्टिंग कर रहा है, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है उसने टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया गया है LG को रेस्ट करने के लिए। ये देख सकते हो ये जो है लिफ्टिंग कर रहा है, ये जो है फ्रंट सपोर्ट है, ये लिफ्टिंग कर रहा है, इसमें जैक रहता है। ये देखिए, ये जो है बॉक्स को लिफ्टिंग कर रहा है और जो हम लोगों ने क्रिप टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसके ऊपर रेस्ट करेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, करंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन एक बॉक्स हम लोग लिफ्टिंग करते हैं और टेम्पररी स्ट्रक्चर के ऊपर उसको रेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, बॉक्स जो है ट्रेलर में आया हुआ है, बॉक्स एकदम सिक्योर कर दिया गया है, राचर ब्लेड लगाया गया है बॉक्स पर ताकि कहीं टर्निंग में या फिर कहीं पे उबड़ खाबड़ रोड में गिर ना जाए इसके खातिर। ये देखिए, कुछ इस तरह से काउंटर वेट जो है रक्षण कर दिया गया है। ये रियर ट्रॉली है, सपोर्ट भी दे चुका है। ये देखिए, ये जो है मिडिल सपोर्ट जो है रक्षण किया जा रहा है, सॉरी ये फ्रंट सपोर्ट जो है रक्षण किया जा रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, रियर सपोर्ट, मिडिल सपोर्ट, ट्रस, फ्रंट सपोर्ट, कुछ इस तरह से दिखाई देता है LG। अब देख सकते हो स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखिए, खड़ा करने के लिए LG को टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया गया है, कुछ इस तरह से देना पड़ता है। ये देख सकते हो टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया है कुछ इस तरह से, मिडिल सपोर्ट भी ऊपर खड़ा किया है। देखिए, ये जो भी है टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया है, कुछ इस तरह से खड़ा करना होता है। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये फ्रंट सपोर्ट है, मिडिल सपोर्ट उसके पीछे है, ये सेगमेंट जो है लिफ्टिंग किया जा रहा है, इसे जो कहते हैं विंच कहते हैं, विंच के ज़रिए लिफ्टिंग होता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जो है लिफ्टिंग किया जा रहा है सेगमेंट को। ये जो है चाइना LG है उसे लिफ्टिंग किया जा रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरह से फ्रंट सपोर्ट जो है इसके इस तरह से कुछ दिखता है फ्रंट सपोर्ट। ये देखिए, ये जो है LG रक्षण किया गया है, अभी ऑटो लॉन्चिंग हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर LG है, एकदम अच्छा से उसे जो ग्रेनेड बांध दिया है। ये देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए पीछे में सपोर्ट दिया है, टेम्पररी सपोर्ट दिया है, क्योंकि ये पहली बार जो है यहाँ पे सेगमेंट उठाने जा रहा है, इसीलिए टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया है पीछे की तरफ। ये देखिए सेगमेंट लिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पर, ऊपर में सेगमेंट आने के बाद जो रोप असेंबली होता है, रोप असेंबली में सेगमेंट को हैंग कर देते हैं, फिर उसके बाद जो बीम होती है लिफ्टिंग बीम उसे रिलीज करके फिर नीचे की तरफ लाया जाता है कुछ इस तरह से। फिर बंदा रहेगा ऊपर में, रहेगा स्लाइडर के ऊपर, फिर हाइड्रोलिक जैक लगाकर वो स्लाइडर को पीछे की तरफ खींचेगा, जहाँ बाकी सेगमेंट है वहाँ लेके इसको रखेगा, फिर बाद में अलाइनमेंट जो है वो होगा। ये देखिए, जो बंदे ऊपर में रहेंगे सबको सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए, और सेगमेंट के ऊपर जब लिफ्टिंग बीम लगाने जाएगा तो एक्सेस के लिए हमें जो है लैडर का ज़रूरत है दोस्तों। ये देखिए, LG का वीकली वंस इंस्पेक्शन करना चाहिए, चेकलिस्ट के साथ, चेकलिस्ट होता है उसका, चेकलिस्ट के साथ जो है हमें वीकली इंस्पेक्शन करना चाहिए किसी भी हाल में। ऊपर में देख सकते हो आप लोग, एक लाइफ लाइन जो है वो लगा हुआ है, वो लाइफ लाइन में सेफ्टी हार्नेस को एंकरिंग करेगा बंदा, क्योंकि ऊपर में जो है ग्रीस वगैरह लगा हुआ रहता है, पानी लगा हुआ रहेगा, बंदा अगर गिरने का लाइफ लाइन नहीं लगाएगा, सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाएगा तो बंदा जो है गिर जाएगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय सुरक्षा दोस्तों।